हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देविता बढ़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कर्ल के बारे में डिस्कस किया था, कर्ल को डिफाइन किया था कि किस तरह से अपना कर्ल यानी जो डेल वेक्टर के साथ में डेल ऑपरेटर के साथ में डिफाइन होता है किसी वेक्टर सदिश के लिए, उसको अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और किसी पॉइंट पर उस पर किसी कर्ल के लिए वेक्टर की वैल्यू को निकालना भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। ठीक है, आज जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग जो पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जाम्पल उठाती हूँ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो अपना गिवन है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो, कर्ल में जानते हैं, कर्ल में जो डेल ऑपरेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ में अपने पास डिफाइन होते हैं। मैं इन दोनों वेक्टर्स को लिख देती हूँ कि यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ए वन आई के ए टू जे के प्लस ए थ्री के के, क्लियर है। ठीक है, और r वेक्टर जो है वो है मेरा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड ए के। ये वैल्यू जो है इन दोनों को अपन ने यहाँ पे जो है ये चीज़ें अपने को क्वेश्चंस में गिवन है। अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कर्ल को हटाएंगे, कर्ल तो कर्ल अपना किस तरह से ऑपरेट होता है, इस तरह से इस पर ऑपरेट होगा, ये चीज़ अपन सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, फिर जब अपन ने जब मैंने आपको शुरुआत में बेसिकली इसको जब डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ आई के एप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, कुछ इसी तरह से मैंने आपको इसको लिख के बताया था कि इसको अपन समेशन की फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, ये जो वैल्यू है इसके साथ क्या आएगा, आई के एप है तो डेल बाई डेल एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों पर इस डेल को क्या करवा देते हैं, यानी ये जो डेल एक्स आपको दिख रहा है इसको अंदर ऑपरेट करवा देते हैं। तो जब अपन ने इसको अंदर ऑपरेट करवाया तो देखिए क्या बना, पहले ए वेक्टर एज इट इज डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स हो गया। ठीक है, फिर प्लस में लगा के अपन आर वेक्टर को एज इट इज रखेंगे और में क्रॉस साथ में चल रहा है अपना डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए वेक्टर आपको दिख रहा है ये यहाँ पे कैसा है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं होके क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो जब इनका अपन करवाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, अपने पास बचा ये वाला। अपन जानते हैं कि ये वाली वैल्यू जो होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, तो अपने पास बच जाएगा समेशन ऑफ आई केप और ये अपना यहाँ पर क्या आएगा, आई केप आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास में, आई केप आएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पर है ये और ए वेक्टर है क्रॉस है आई केप। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि आर वेक्टर को जब अपन करेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स का, तो एक्स की रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, आई केप। और ये क्रॉस वेक्टर है इसलिए अपने को आई केप यहाँ पर अपन ने इस तरह से लिख लिया। अब अपन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस ब्रैकेट में आपको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो दो वेक्टर का जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो समेशन ऑफ आई केप। और उसको जब अपन यूज़ करेंगे तो अपन जानते हैं कि वो फॉर्मूला अपना किस तरह से अप्लाई होता है, तो इसके अंदर अपना जो वैल्यू है तीनों के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, ये अपना पूरा जो होता है इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है उसको अपन लिख लेते हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाले फॉर्मूले से जब अपन इसको खोलेंगे तो अपने पास देखिए क्या आएगा, एक तो आएगा आई केप डॉट आई केप और ए वेक्टर माइनस माइनस में आएगा अपने पास आई केप डॉट ए वेक्टर डॉट आई के। ठीक है, इस तरह से जो है ये अपना वेक्टर जो है वो यहाँ पर डिफाइन होता है। ये कैसे हुआ देखो मैं आपको बताती हूँ, अपन जब तीन जो है होता है अपना तीन सदिश वाला मल्टीप्लिकेशन अपन जब डिस्कस करते हैं
ठीक है। तो वहाँ पर अपन ने क्या देखा था, वहाँ पर अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अपन ने यूज लिया हुआ है। वेक्टर का जब अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अपना वेक्टर मल्टीप्लीकेशन किस तरह से खुलता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही अच्छे से बताया था कि अपना जो ये वेक्टर होता है वो किस तरह से यहाँ पर खुलता है। तो ये देखिए, इसके लिए अपना यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाएगी और उसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर किस फॉर्म में देखो आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर बी वेक्टर और बीच में माइनस लगा के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है डॉट सी वेक्टर, इस तरह से ये डिफाइन होता है। तो देख लीजिए अपन ने इसको यहाँ पर अप्लाई किया इन तीनों पर, ठीक है। तो पहले ए और सी अपना ये हुआ, तो आई केप डॉट आई केप और ये बी वेक्टर अपना एज इट इज बाहर, ठीक है। ठीक इसी तरह से अपना ये हुआ यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये सी वेक्टर अपना यहाँ पर बार, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर अपन ने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं अपने पास क्या सोल्यूशन आता है, अपने को इनकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास देखिए बच जाएगा, यहाँ पर अपन जानते हैं आई केप डॉट आई केप कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ ए वेक्टर लिख दो या ए लिख दो किसी भी तरह से, ठीक है, और माइनस ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है आई केप का ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, ए वन आएगा। तो यहाँ पर आएगा ए वन आई केप, ठीक है। अभी ये समेशन है, अपन ने यहाँ पे लगा रखा है समेशन, समेशन का मतलब क्या हो रहा है, अभी तो अपन ने इसको सिर्फ किसके लिए सॉल्व किया था, अक्स के लिए। जब ये तीनों के लिए सॉल्व होगा तो अपना यहाँ पे ये जो ए है ये तो किस में बदल जाएगा, थ्री ए वेक्टर में बदल जाएगा और ये जो पूरी वैल्यू है ये इस तरह से आ जाएगी ए वन आई केफ। जब दूसरा समेशन खोलेंगे तो अपने पास आ जाएगा ए टू जे केफ और तीसरा खोलेंगे तो आ जाएगा ए थ्री के केफ, ठीक है। इस तरह से अपने पास जो वैल्यूज है वो बनेगी। तो ये पूरा किसका वैल्यू बन गया, फिर से ए वेक्टर ही बन गया, तो यहाँ पर अपन इसको ले लेंगे ए वेक्टर। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, टू ए वेक्टर कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू अपने पास क्या फाइंड आउट हो गई है, टू ए वेक्टर जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो गई है। तो इस तरह से अपन ईजिली जो है इनको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर अपन देख लेते हैं इसके लिए कि किस तरह से अपन इसको और कई जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब अपने को दिखाना है कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर जो है वो भी क्या होता है मेरा यहाँ पर ज़ीरो होता है। देखिए कैसे होगा, इसको भी अपन दिखाएंगे यहाँ पर, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू यही रहनी है डेल अपॉन डेल एक्स वाली, सॉरी एक्स आई केप वाई जे केप और जेड के केप वाली। तो अपने को बताना है कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए जब अपन इसको खोलेंगे कर्ल ऑफ आर वेक्टर तो डेल वेक्टर क्रॉस है आर वेक्टर, इसी तरह से लिखेंगे इसको। अब देखो जब अपन डेल को खोलेंगे तो डेल जो है वो इस फॉर्म में खुलेगा, डेल की वैल्यू रख देते हैं प्लस जे के क्रॉस जे के डेल बाई के डेल बाई डेल जेड और क्रॉस में क्या है आर वेक्टर। तो जब इसको अप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, अपना आ जाएगा आई के पे क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, इसी तरह से जे के पे क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई और के केप क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड, ठीक है। इस तरह से ये जो है वैल्यू अपनी डिफाइन हो गई है। अब देखिए अपन जानते हैं कि आर वेक्टर की अपनी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के के। तो डेल आर का एक्स की रेस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में वन होके क्या बच जाएगा अपने पास आई के। तो देखिए आई के क्रॉस आई के
जेके यहाँ बच यहाँ क्या बचाएगा जेके, तो जेके क्रॉस जेके और के पे क्रॉस है के। और अपन जानते हैं कि जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो दो सेम अपने जो इकाई सदिश होते हैं उनका डायरेक्ट सदिश जो उनका जो अपन वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा कैसा डिफाइन होता है, ज़ीरो डिफाइन है होता है। तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी इसका आंसर क्या आ गया अपना ज़ीरो यहाँ पर आ गया, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो कर्ल की जो डेफिनेशन होती है उसको अपन दो तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों तीनों जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। इस क्वेश्चन को अपन जो अपना सारणिक वाला तरीका है उस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपन जितने भी अपने पास फॉर्मूले हैं उन सभी को अप्लाई करके जो बेस्ट तरीका होता है, जो बेस्ट अपने को लगे कि इससे अपन इजीली आंसर निकाल सकते हैं, उसी को अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे अपने कर्ल ऑफ वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए कुछ कर्ल किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखना, इन एग्जांपल को अच्छे से समझना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।